बीसीसी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आप लोग के सामने इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक लाए हैं, राष्ट्रीय आय, जो कि आज स्टार्ट ही होगा। राष्ट्रीय आय का आज पार्ट वन वीडियो है, नेशनल इनकम। हम पहले इस सेक्टर का इम्पोर्टेंस समझ लें। राष्ट्रीय आय से अभी तक प्राप्त कोई भी यदि कोई एग्जाम हुआ है तो उसे 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा रहता है, और इससे जो भी प्रश्न रहते हैं वो कंसेप्चुअल रहते हैं, उसको आप रट करके कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को इसमें काफ़ी कंसेप्ट से अच्छा से क्लियर करना होगा। आज हम लोग क्या जानेंगे कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है, ठीक है, और इसका कुछ फैक्चुअल नॉलेज जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय आय का इकोनॉमिक्स के आधार पर क्या परिभाषा होगा, उसके लिए कुछ अवधारणाएँ जानना होगा। हम लोग राष्ट्रीय आय पर संबंधित कुछ अवधारणा जानेंगे, जिसमें से आज हम लोग जानेंगे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये दो टॉपिक आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इकोनॉमिक्स को हम 5 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। प्रत्येक पार्ट आप अच्छे तरीके से देखिए, 4 पार्ट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी, और 1 पार्ट में विभिन्न एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का हम उल्लेख करेंगे। ओके, थैंक्स। देखते हैं, देखिए राष्ट्रीय आय पहले है क्या। तो राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की माप होती है ना। मतलब कि कितना वस्तु का आप प्रवाह किए, कितना सेवाएं प्रवाह किए, उसका मेजरमेंट जो करेगा, दो चीज़ों का मेजरमेंट, किसका किसका, वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का माप करना ही वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। ये हमारा लॉजिकल डेफिनेशन है, लेकिन इसका इकोनॉमिक डेफिनेशन के लिए हम लोग को उसका कुछ अवधारणाएँ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम फिलहाल इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या, किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की प्रवाह की माप है ना। मतलब यहाँ ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आय आगे लिख लीजिए, राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में किसका तो वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की क्या है, माप। मतलब हमारा कोई भी इकोनॉमिक्स में वस्तु और सेवाओं का कितना आपने प्रवाह किया, उसी का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। अब कैसे कैसे क्या प्रवाह किए नहीं किए, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन इससे पहले इसका कुछ ऑब्जेक्टिव अर्थात कुछ इसका फैक्चुअल नॉलेज है क्या, कि राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान कौन लगाएं, कब लगाएं, आपका कौन से पुस्तक में संकलित है ये बातें, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद कौन लगाएं, इसका कमेटी गठन हुआ, इसकी गणना कौन करता है, पहले कौन करता था, अभी कौन कर रहा है, ये फैक्चुअल नॉलेज हर एक एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में आपका पूछता है, ठीक है। तो इसको हम अब मिटा देते हैं। तो फिलहाल हमने देखा कि राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की क्या है, माप है ना। कुछ फैक्चुअल नॉलेज है जो हम लोग लिखते जाते हैं। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान, राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी कहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दादा भाई नौरोजी द्वारा कब, तो 1868 में, ठीक है, लाया गया 1868 में लाया गया 1868 में लाया गया, ठीक है, जिसे उनकी पुस्तक, याद रखिएगा पुस्तक का नाम बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन
इंडिया, किसमें? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया गया, में प्रकाशित किया गया। ध्यान दीजिए, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान जो है वो कौन लगाए थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया, कब लगाया गया? 1868 ईस्वी में। और उनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया गया। यहाँ से तीन क्वेश्चन बन रहा है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लाए? दादा भाई नौरोजी। कब लाए? 1868। कौन सा पुस्तक में? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया गया। तो ये तो ठीक है सर, लेकिन आफ्टर फ्रीडम क्या हुआ? तो देखिए इसमें हम लिखते हैं, यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद 1949 में, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए पीसी महानोबिस, नाम तो सुने होंगे, पीसी महानोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया है ना। देखा गया कि ठीक है, हम तो राष्ट्रीय आय सबसे पहले विश्व बैंकिंग के द्वारा लाया गया था, हम डिटेल लास्ट में बता देंगे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद देखा गया कि ठीक है ये तो लाया गया, लेकिन इसका हम लोग गणना कैसे करेंगे? तो गणना के लिए कमिटी बैठाया जाए। तो स्वतंत्रता के बाद कब? 1949 में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए किनकी अध्यक्षता में लाया गया? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद किनकी अध्यक्षता में कब लाया गया राष्ट्रीय आय समिति? तो याद रखिएगा, पीसी महानोबिस की अध्यक्षता में 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, ठीक है। तो हमने तो ये देखा, अब हम लोग जानेंगे, ठीक है राष्ट्रीय आय समिति लाया गया, तो इस राष्ट्रीय आय समिति को लाने में लाया गया तो इसकी गणना कौन कौन विभाग करता है ना, इसकी गणना कौन कौन विभाग करता है, इस पर एक प्रश्न हमेशा रहता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं इसमें आपको कन्फ्यूजन भी होते हैं, लेकिन हम उसको क्लियर आज कर देंगे। फिर से देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक में प्रकाशित किया गया। स्वतंत्रता के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति किया गया? तो पीसी महानोबिस की अध्यक्षता में ये समिति गठित किया गया। फर्स्ट हो गया सर, ठीक है सर। अब हम लोग देखेंगे कि लाया गया समिति तो ठीक है भाई, तो राष्ट्रीय आय समिति की ये गणना कौन करता है? ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा राष्ट्रीय आय समिति, ठीक है, इसकी क्या गणना, इसका गणना दो विभाग मिलकर के करता है, एक है सीएसओ और एक है एनएसएसओ, ये दोनों मिलकर के कर रहा है, जिसको कहते हैं मॉस्पी, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले आपको बताने दीजिए, ठीक है। इस सीएसओ का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, समझिएगा इसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में क्या समझना है, इसका स्थापना हुआ था मई 1951 में। दूसरा चीज इसके बारे में समझना है, HQ मतलब हेडक्वार्टर, इसको लिख दें, हेडक्वार्टर को कहते हैं क्या, मुख्यालय, इसका मुख्यालय है दिल्ली में, इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। दूसरा NSSO का फुल फॉर्म होता है N4 नेशनल, S4 सैंपल, S4 सर्वे, O4 ऑर्गेनाइजेशन, है ना, मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम लोग जानेंगे
कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसका स्थापना हुआ था 1950 में, ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर है कोलकाता। हम समझाएंगे, पहले ये लिख देते हैं अच्छे से। अब इन दोनों को, इन दोनों संयुक्त रूप से मिला दिया गया है फिलहाल इधर, तो इसको मिला करके लाया गया मॉस्पी। क्या लाया गया? मॉस्पी। मॉस्पी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, है ना, एंड प्रोग्राम इम्प्लीटेशन, मतलब इसको हिंदी में कहेंगे तो हो जाएगा सांख्यिकी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, अभी यही संभाल रहा है राष्ट्रीय आय की गणना का। देखिए हुआ क्या, 1949 में राष्ट्रीय आय पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित की गई, ठीक है, उसके बाद उसकी गणना के लिए 1950 में एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया कि आप इसकी गणना कीजिए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जिसकी स्थापना सबसे पहले यही कर रहा था, स्थापना 1950 में हेडक्वार्टर कोलकाता में, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, भंग करके फिर सौंप दिया, तब से कब सौंपा, तो 1951 में सीएसओ को सौंप दिया गया गणना करने के लिए, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना मई 1951 में हुई और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। तो ये तब से अब तक आ रहा था, लेकिन आपको 2018-19 ध्यान नहीं आ रहा डेट, तो अब से अभी जो फिलहाल हम लोग का राष्ट्रीय आय का जो गणना कर रहा है, यदि आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन से मंत्रालय कौन सा विभाग कर रहा है, तो आप सीएसओ एनएसएसओ बोथ, और आपको नन ऑफ दीज रहेगा तो आप बोथ में मारिएगा, दोनों मिल करके काम कर रहा है। लेकिन इन दोनों के अलावा यदि मॉस्पी रहेगा तो हम मॉस्पी मारेंगे, क्योंकि मॉस्पी क्या है, ये दोनों को संयुक्त कर दिया गया है, सीएसओ और एनएसएसओ को संयुक्त करके मॉस्पी को सौंप दिया गया है। मॉस्पी का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। तो फिलहाल आप याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान, राष्ट्रीय आय का गणना अभी कौन किसके विभाग में सौंपा गया है, तो मॉस्पिक में, और मॉस्पिक क्या है, ये दोनों संयुक्त रूप का है, किसका, सीएसओ और एनएसएसओ दोनों को मिला दिया गया है, कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया, ओके, ठीक है सर, इसको लिखिए। हो गया सर, थैंक यू, हो गया, तो हम लोग आगे आते हैं, है ना, और हम लोग अब देखते हैं क्या। तो ये तो हमने देख लिया राष्ट्रीय आय से संबंधित हमारा जो कुछ फैक्चुअल नॉलेज था, अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं, राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं, विभिन्न अवधारणाएं, है ना, मतलब सम रिलेटेड सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। अब इससे कुछ अवधारणा है, जब सभी अवधारणाएं सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब नेशनल इनकम का डेफिनेशन आएगा बाय इकोनॉमिक, है ना। आइए तो इसमें हम लोग आज दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, पहला है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, है ना, इसी को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, संक्षिप्त में लिखेंगे जीडीपी एमपी, है ना, जीडीपी एमपी, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ये है क्या। देखिए हम इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं और उसके डेफिनेशन को हम खंडन करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे, तो आपको डेफिनेशन एकदम दिमाग में फिट बैठ जाएगा, ठीक है। आइए क्या है,
किसी देश की, अलग से पीडीएफ भेजने की जरूरत हमको नहीं लगता है कि पड़ेगा, यहाँ पर ही पीडीएफ है, आप लोग साथ में ही लिखिए। किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा बाजार मूल्य पर, बाजार मूल्य ही, एक सेकेंड, क्या लिखें, सभी निवासी और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा बाजार मूल्य पर, ठीक है, हाँ, पर संपूर्ण किस किस चीज का हम देखते थे, याद है ना, अंतिम, यहाँ देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं, संपूर्ण अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक है। देखिए इसमें मेन चीज समझना हम लोग को क्या क्या है, हम जो मेन चीज है उसको हम फैक्चुअल ना देखेंगे। किसी देश का घरेलू सीमा, तो हमको पहले समझना पड़ेगा कि घरेलू सीमा में कौन कौन क्षेत्र आएगा। किसी एक वित्तीय वर्ष, अब हमको दूसरा पॉइंट यहाँ समझना पड़ेगा कि एक वित्तीय वर्ष क्या होता है भारत में। तीसरा पॉइंट है निवासी और गैर निवासी, निवासी और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा बाजार मूल्य पर संपूर्ण, यहाँ देखिए, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। वन मिनट वेट। हाँ, तो देखिए क्या हुआ परिभाषा, किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत कब, तो एक वित्तीय वर्ष में, कौन कि कौन आप किस किसका आप लीजिएगा, मतलब निवासी और गैर निवासी जो हमारा है, कौन कौन आएगा इसमें, निवासी और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा बाजार मूल्य पर जो हमारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होगा वही कहलाएगा सकल घरेलू उत्पाद। तो देखिए हम इसमें खंडन क्या कर रहे हैं, इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कि घरेलू सीमा क्या होता है। घरेलू सीमा पहले ये समझेंगे। देखिए घरेलू सीमा क्या है कि यहाँ देश की घरेलू सीमा कहने का अर्थ हुआ कि उसकी आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश का भौगोलिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामुद्रिक, मतलब जिसके अंतर्गत हम लोग व्यापार कर सकते हैं। तो घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख दें कि देश की कौन कौन, कौन कौन आएगा इसमें, भौगोलिक, और क्या आएगा, राजनीतिक, और क्या आएगा, सामुद्रिक, स्पष्ट लिख देना, सामुद्रिक सीमा, और क्या आएगा, जल क्षेत्र, और क्या आएगा, वायुमंडल। वायुमंडल कहिएगा कि मेरा ही देश का है, मेरे देश के अंतर्गत जो हमारा एटमोस्फेरिक पर कुछ भी होगा, ETC, जो भी हमारे क्षेत्र आएंगे वो किस सीमा के अंतर्गत होंगे, घरेलू सीमा, ये तुम समझ गए। अब दूसरा जो वहां लिखा हुआ है वर्ड वो है क्या, एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष, तो याद रखिएगा कि भारत में, किसमें, भारत में हमारा, यहाँ इन इंडिया कर देते हैं, ठीक है, भारत में एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल to 31 मार्च, ये याद रखना है, भारत में हमारा एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। तो देखिए क्या आया, कोई भी देश की
घरेलू सीमा, तो घरेलू सीमा मतलब क्या समझें कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वायुमंडल, जल क्षेत्र, सामुद्रिक, जो भी हमारा सीमा होगा वो घरेलू सीमा होगा। उसके अंतर्गत 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, मतलब एक वित्तीय वर्ष तक, कौन कौन आएगा इसमें याद रखिएगा, निवासी भी आता है और गैर निवासी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, घरेलू और राष्ट्रीय में दोनों फर्क यही होता है। घरेलू उत्पाद में हम लोग क्या करते हैं, सॉरी हाँ ठीक है, घरेलू उत्पाद में निवासी और गैर निवासी दोनों को लेते हैं। निवासी गैर निवासी क्या होता है, किसको निवासी मानेंगे किसको गैर निवासी मानेंगे, वो हम पार्ट 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे कल की वीडियो में, ठीक है, कि कौन निवासी आएगा कौन निवासी नहीं आएगा। तो फिलहाल अभी सभी निवासी और गैर निवासी जो हमारा बाजार मूल्य पर उसका कौन सा, यहाँ देखिए अंतिम है, मतलब बीच, यहाँ अगला पॉइंट में बता देंगे कि इसमें अंतिम वस्तु और सेवा का लेना है, मतलब बीच वाले सेवा कोई वस्तु को हम लेंगे नहीं। कहने का अर्थ हुआ कि मान लिया जाए कि कोई किसान जूट उपजाता है, तो वो मान लिया जाए 1000 रुपया में आपको जूट दे दिया, तो अब जूट से धागा बनाने वाले के पास गया तो 1500 में धागा बनाने वाला जब हुआ वो 1500 में कपड़ा वाले को दे दिया। अब कपड़ा वाला उसको लिया, कपड़ा तैयार करके रेडीमेड कपड़ा बना करके, एक अच्छा कपड़ा बना करके रेडीमेड कपड़ा दुकान वाला लिया, तो अब उस रेडीमेड कपड़ा को हम लोग जब खरीदते हैं तो वहाँ हम जूट के भाव से या जूट की कीमत से हम लोग नहीं देंगे, या बीच में आपका धागा बना उसको हम नहीं देखते हैं। किस पर नेशनल इनकम दे जाएगा, तो ये नेशनल इनकम हम लोग का आकलन होगा, गणना होगा अंतिम जो रेडीमेड कपड़ा है उसको, मध्यवर्ती वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि अंतिम वस्तु और सेवा का बाजार मूल्य लेना है, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल राष्ट्रीय आय में नहीं किया जाता है। स्पष्ट है ना, मतलब कहने का अर्थ यही हुआ, अर्थात हम यही अभी लिखते तीसरा में कि केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं किया जाता है। हो गया सर। तो देखिए इसका परिभाषा हम एक बार फिर से बताते हैं क्या होता है। किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा, है ना, सभी निवासी और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा क्या, तो देखिए द्वारा बाजार मूल्य पर संपूर्ण, कब, तो मध्यवर्ती की शुरू वाले अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद में 3 पॉइंट याद रखिएगा कि घरेलू सीमा के अंतर्गत 1 फाइनेंशियल ईयर में निवासी गैर निवासी दोनों आएगा, और कौन सा वस्तु कर लिया जाएगा, तो अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य लिया जाता है, बस, है ना। तो ये हमारा था क्या, GDP at MP, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP मार्केट प्राइस, फर्स्ट हो गया सर। चलिए अब दूसरा मेरा जो अवधारणा आता है, ये सब अवधारणा समझना पड़ेगा तभी हम लोग नेशनल इनकम पर आएंगे, है ना। हम लोग को रटने से कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन रटने से नहीं देता है सर इकोनॉमिक्स का, कोई भी GS में नहीं देता है, कंपटीशन थोड़ा आ गया है, टफ नहीं कहते हैं। देखिए दूसरा क्या आएगा, मेरा दूसरा जो अवधारणा आएगा वो है बाजार कीमत पर, ये भी हम लोग चलेंगे, ठीक है। बाजार कीमत पर 4 अवधारणा है, बाजार कीमत पर, वहाँ घरेलू था ना, हम लोग यहाँ अब लेते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसी को इंग्लिश में कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसी को क्या कहेंगे, GNP at MP ना। इसका परिभाषा लिखते हैं, देखिए बाजार मूल्य पर, वीडियो आप लोग को यदि अच्छा लगता है तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और कोई रिक्वेस्ट नहीं है, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिजनेस के विषय नहीं पढ़ाते हैं सब। सकल बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी एक वित्तीय वर्ष, एक डिफिनेशन आप देखें ना, आप देखिए सब समझ जाइएगा, एक वित्तीय वर्ष वहीं लिख देते हैं, थोड़ा सा आ रहा है साइड क्या, अच्छा सही छट गया, अच्छा कोई दिक्कत, किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान वहां पर था निवासी और गैर निवासी दोनों, लेकिन राष्ट्रीय में हम लोग केवल निवासी लेते हैं, देख रहे हैं ना डेफिनेशन में अंतर आ गया, केवल निवासी उत्पादन इकाइयों द्वारा,
उत्पादक इकाइयों द्वारा, ठीक है। निवासी समझ रहे हैं ना, देश के निवासी, बाहर वाले को नहीं लेना है, गैर निवासी को नहीं लेना है। अर्थात क्या हुआ कि देश के निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के अंतर्गत, है ना, अंदर या बाहर बाजार कीमत, घरेलू सीमा के अंदर या बाहर बाजार कीमत पर, ठीक है। चलिए, द्वारा देश की कौन सी सीमा, घरेलू सीमा के, वहां पर क्या था, घरेलू सीमा के अंतर्गत, यहाँ पे घरेलू सीमा के अंदर या बाहर दोनों लेते हैं, अंदर या बाहर, ठीक है, बाजार कीमत पर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही GNPMP लिख दिए, उतना लिखने लगे। मतलब क्या हुआ कि बाजार कीमत पर वो क्या कहलाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। समझिएगा इसमें जरा, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी एक वित्तीय वर्ष, ये तो समझाई दिए हैं, वो रहेगा सेम है फाइनेंशियल ईयर। वहाँ था क्या, निवासी और गैर निवासी दोनों, लेकिन यहाँ पर केवल निवासी, मतलब भारत में रहने वाले, है ना, निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर। सिंपल है, मतलब सीधा इसमें हम लोग को निवासी को लेना है, गैर निवासी को हटा देना है GNP में, बस यही हम लोग का समझना है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले को सब लोग क्या करते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट में लेते, एकदम सिंपल है। देखिए इसमें किसको लिया गया, निवासी को, गैर निवासी के नेशनल इनकम को इसमें आकलन नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है, मतलब क्या होता है कि उसको घटा देंगे, है ना। तो पहले तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया, इसको लिखिएगा जरा, अब इसमें हमको समझाना है, हो गया, ठीक है सर। देखिए इसमें हम लोग को समझना पड़ेगा, 30 मिनट कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है, टाइम बहुत जल्दी भागता है। और बहुत लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन में अभी, और अरे लॉकडाउन तो आप लोग का पॉजिटिव है ना। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पर ही बातें हो रही है, ठीक है। मतलब क्या हुआ है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम लोग को किसको लेना है, निवासी को, मतलब गैर निवासी को नहीं लेना है। तो GDP तो जुटेगा ही जुटेगा, है ना, GDP जुटेगा प्लस एक्स और माइनस क्या होगा, एम, वेट, हेलो हेलो, हेलो, अरे अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बाद में करते हैं, हाँ। देखिए अब यहाँ पर क्या है नहीं है ये हम समझते हैं, ठीक है। पहले समझिएगा GNP मतलब, तो हम लोग समझ रहे हैं, पहले लिख देते हैं इसको अच्छा से, ठीक है। वेयर GNP मतलब हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GDP मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। अब एक्स क्या है, तो देखिए एक्स है देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय, सॉरी देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, यम क्या होगा, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, समझिए क्या कह रहा है। देखिए जी क्या बोला कि घरेलू सीमा के अंदर या बाहर, मतलब क्या हुआ कि हमारा इसमें आपको
घरेलू सीमा के अंदर या बाहर, मतलब देश में भी हमारा कोई व्यक्ति है और हमारे देश का कोई व्यक्ति विदेश में भी है, दोनों का लेंगे, लेकिन किसका इनकम लेना है वहाँ परिभाषा था केवल निवासी। मतलब निवासी मतलब क्या कि भारत के रहने वाले यदि विदेश में हम कोई यदि इनकम कमा रहे हैं तो उसके इनकम को लेंगे, लेकिन गैर निवासी तो लेना नहीं है। गैर निवासी मतलब विदेश का व्यक्ति यदि कोई मेरे भारत में कुछ अर्जित कर रहा है तो उसके इनकम को हम लोग आकलन इसमें करते नहीं है जीएनपी में। आप समझ रहे हैं ना? तो जीएनपी में क्या हो जाएगा, जीडीपी तो आएगा ही आएगा और यक्स भी आएगा। यक्स मतलब क्या हो गया कि देश के नागरिक, ये निवासी हो जाएगा ना, देश का नागरिक यदि विदेश में कुछ इनकम उसके पास आ रहा है तो उसका इनकम हम लोग लेंगे, लेकिन यम वाला पार्ट नहीं लेंगे। यम वाला क्यों नहीं लेंगे, चूंकि यम की कौन सा है, निवासी है कि गैर निवासी, विदेशी तो गैर निवासी हो जाएगा ना। तो यदि वह विदेशी हमारे देश में आकर के कुछ अर्जित कुछ आय कमा रहा है या कुछ कर रहा है, हम उसका इनकम आ रहा है यहाँ पर, तो उसके इनकम को आकलन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जीएनपी कहता है कि हमारा वनली फॉर वनली केवल किसको किसका इनकम लेना है, निवासी का इनकम लेना है। निवासी का इनकम मतलब देश के नागरिक का लेना है जो यदि विदेश में कमा रहा है तो, लेकिन विदेशी के नागरिक का नहीं लेना। अर्थात जीएनपी का, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जीएनपी बराबर जीडीपी तो होगा ही होगा, उसमें किसके इनकम को हटाना है, चूंकि फॉर्मूला में क्या आता है, इस डेफिनेशन में क्या आता है, निवासी विदेशी वाले को हटा देना है और हमारे सॉरी गैर निवासी वाले को हटा देना है और निवासी वाले को रखना है। स्पष्ट है? स्पष्ट है सर। अब इसमें देखिए हम कुछ नोट बनाते हैं कि सर ये जीएनपी और जीडीपी कब बराबर हो जाएगा, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कब बराबर होगा। तो देखिए समझिए, इफ इफ मतलब यदि, यहाँ देखिएगा, यदि एक्स बराबर एम हो, मतलब क्या हुआ, कहने का आशय क्या हुआ कि देश के नागरिक द्वारा विदेश में यदि जो इनकम आ रहा है और कोई यदि विदेशी हमारे देश में इनकम जो आ रहा है, यदि दोनों का इनकम बराबर हो जाएगा तो बराबर में बराबर घटेगा तो कितना बचेगा, जीरो। तब हमारा जीएनपी और जीडीपी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तब हमारा जीएनपी और जीडीपी बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद एक दूसरे के बराबर कब होते हैं। तो होते हैं कब, जब कोई देश के नागरिक विदेशों में यदि हमारा आय आ रहा है और विदेशियों द्वारा देश में हमारा आ रहा है, दोनों का आय आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो सर ये पॉसिबल कब है, तो ये पॉसिबल है अभी। अभी मतलब कि जब हमारा इकोनॉमिक्स बंद अर्थव्यवस्था हो, बंद अर्थव्यवस्था रहेगा तभी तो हमारा वहाँ का इनकम यहाँ का इनकम में कुछ वैल्यूएशन ही नहीं रहेगा। तो हम दूसरा चीज़ लिख देते हैं कि सर ये पॉसिबल तब है बंद अर्थव्यवस्था में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बंद अर्थव्यवस्था में एक्स माइनस एम बराबर जीरो होगा, मतलब दोनों का अंतर क्या होगा, जीरो। तब हमारा जी एन पी और जी डी पी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, जी एन पी और जी डी पी आपस में बराबर होगा। तो सर एक चीज़ बताइए, तो आप जीएनपी जीडीपी में एक अंतर बता दिए कि जीडीपी में निवासी और गैर निवासी दोनों का होता है, जीएनपी में निवासियों का ही होता है। तो एक और चीज़ क्या है इम्पोर्टेंट, देखिए यदि निवासियों का ही इनकम हम लोग का, यदि कोई देश का नागरिक यदि विदेश में हम लोग का अर्जित आय हो रहा है, यदि उसका आकलन कर रहे हैं, मतलब उस गुणवत्ता, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जीडीपी राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, मतलब वो इनकम का सोर्स बताता है, लेकिन जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये राष्ट्रीय आय का आकलन तो करता ही है, साथ ही साथ ये गुणवत्ता को भी दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या नोट का यदि हम अगला पॉइंट लिखेंगे तो हो जाएगा कि जीएनपी से राष्ट्र की आय तथा गुणवत्ता दोनों का पता चलता है। कहाँ लिखे यहाँ लिख देते, इसको मिटा करके। ठीक है, तीसरा, जीएनपी से राष्ट्र की आय तथा गुणवत्ता दोनों का ही पता चलता है। याद रखिएगा, इनकम भी और क्या उसकी गुणवत्ता भी, है ना। तो ये था हमारा क्या, जी एन पी एट मार्केट प्राइस। तो आज हमने देखा कि क्या, एक बार फिर से आ जाते हैं, रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, टाइम देख लेते हैं सर, ओ नौ, 5 मिनट फास्ट ज़्यादा हो गया। खैर हम 1 मिनट में रिवीजन कर देते हैं। राष्ट्रीय आय क्या हुआ, किसी भी अर्थव्यवस्था में
किसी भी अर्थव्यवस्था में अंतिम किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की मापी राष्ट्रीय आय कहलाती है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान दादा भाई नेहरू जी 1868 क्या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित है। स्वतंत्रता के बाद पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की गठन किया गया, जिसको आइए सबसे पहले NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 1950 हेडक्वार्टर कोलकाता और CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 19 मई 1951 और हमारा इसका कहाँ है हेडक्वार्टर दिल्ली में। पहले करता था NSSO लेकिन भंग करके CSO को कर दिया, लेकिन फिलहाल अभी ये दोनों को संयुक्त रूप से मौसपी संभाल रहा है मिनिस्ट्री है ना, बताए थे ना मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है चलिए, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम हाँ वही चीज़ तो वो हो गया हमारा, मौसपी हो गया, मौसपी संभाल लिया। अब ये तो हम समझ रहे हैं फिलहाल अभी मौसपी संभाल रहा है, अब इससे कुछ हम लोग अवधारणाएँ आते हैं। पहला था बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में निवासी और गैर निवासी घरेलू सीमा वही सब देख लिए हम लोग। याद रखिएगा मेन दोनों में फैक्टर है, इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निवासी, उसमें गैर निवासी दोनों होता है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या करता है, आय गुणवत्ता दोनों का पता करता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP बराबर फॉर्मूला बताएं GDP प्लस एक्स माइनस एम, चूँकि विदेशी का लेना नहीं है और देश के नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय को लेना है। बराबर तभी होगा बंद अर्थव्यवस्था में जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब देश का नागरिक, यदि देश का नागरिक विदेश में अर्जित आय उसका है और विदेश वाला देश में हमारे देश में अर्जित आय, दोनों का यदि इनकम बराबर हो जाएगा तब GNP GDP आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप लोग को पार्ट वन वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप लोग क्या करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और कमेंट लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और पार्ट टू वीडियो का आप लोग इंतज़ार करें। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।